बाप बेटे को कैसे लेना है रोमन रिंग्स से बदला, रोमन रिंग्स वर्सेस रे मिस्टीरियो के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच की क्या है अपडेट, क्या जिमी ऊसो और जे ऊसो बनने वाले हैं स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस, जॉन सीना ने ड्रू मैकइंटायर को क्या जवाब दिया, साथ में बात करेंगे इस हफ्ते के WWE मेन इवेंट के रिजल्ट्स के बारे में, जहां पे इंडिया की टीम जिंदर महल के साथ क्या बड़ा कारनामा कर पाई। इसके अलावा आखिर कीथ ली को क्या हुआ है, MVP क्या कोफी किंगस्टन को हर्ट बिजनेसेस में रिक्रूट कर पाएंगे, ऐसी कई सारी चटपटी खबरें होंगी हमारी इस रेसलिंग रिपोर्ट में। मेरा नाम है नितिश, तनाव देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बारे में। ड्रू मैकइंटायर ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर रेसलमेनिया 39 हॉलीवुड में हो रही है तो वो हॉलीवुड और WWE के सुपरस्टार 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना को रेसलमेनिया 39 पे एक मैच में फेस करना चाहेंगे। दोस्तों ये मैच एक ड्रीम मैच है, जॉन सीना भी कहां ड्रू मैकइंटायर की बातों से चैलेंज से पीछे रहने वाले थे। जॉन सीना ने भी ड्रू मैकइंटायर के चैलेंज में इंटरेस्ट दिखाते हुए ड्रू मैकइंटायर की फोटो बिना कुछ लिखे अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी। दोस्तों जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकइंटायर ये मैच फ्यूचर में हो सकता है। फॉर्मर WWE चैंपियन है ड्रू मैकइंटायर और रेसलमेनिया 39 पे ड्रू मैकइंटायर वर्सेस जॉन सीना से बड़ा मैच हॉलीवुड में और क्या हो सकता है। पर जॉन सीना ने यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर के चैलेंज के बाद रिएक्ट करके ये दिखा दिया कि वो ड्रू मैकइंटायर और WWE को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं और बहुत जल्दी लाइव ऑडियंस के सामने भी हमें जॉन सीना की रिटर्न होती हुई WWE में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों मंडे नाइट रॉ जब खत्म हुआ उसके बाद WWE ने अपने थर्सडे को होने वाले WWE मेन इवेंट के मैचेस को भी प्री टेप कर लिया, जहां पे हमें दो मैचेस देखने को मिले, जहां पे दोस्तों हमें मुस्तफा अली एंजल गार्जा के खिलाफ एक मैच में भिड़ते हुए नजर आए। इस मैच में दोस्तों कमाल की बात थी कि मुस्तफा अली ने इस मैच में एंजल गार्जा को हराया, पर इस मैच में सिर्फ मुस्तफा अली ने यह मैच ही नहीं जीता पर एंजल गार्जा को इस मैच में टैप आउट करवा के, यानी कि बाय सबमिशन मूव मुस्तफा अली ने इस मैच को जीता, जो मुस्तफा अली के लिए एक नई चीज है। इसके अलावा दोस्तों हमें दूसरा मेन इवेंट के तौर पे मैच देखने को मिला, जिंदर महल वर्सेस शॉल्टन बेंजामिन का मैच। जिंदर महल के साथ हमें शैंकी और वीर भी रिंग साइड देखने को मिले। इस मैच में जिंदर महल ने शॉल्टन बेंजामिन को हराया और फिर से एक और जीत हासिल करी, पर लगातार मंडे नाइट रॉ पे जिंदर महल और उनके यानी कि साथी शैंकी और वीर हमें अभी भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। शायद धीरे धीरे जिंदर महल की जब फिटनेस प्रूव हो जाएगी मेन इवेंट जैसे शोज पे, तभी जिंदर महल के लिए बड़े प्लान्स हमें मंडे नाइट रॉ पे बनते हुए दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों कीथ ली, आखिर कीथ ली जैसा बड़ा नाम एकदम से कैसे गायब हो गया, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतनी थी, जो ब्रॉक लेसनर को फेस करने वाला था, ऐसा सुपरस्टार कहां है वो कीथ ली जो NXT से सीधा आके WWE मंडे नाइट रॉ में छा गया था। दोस्तों हमेशा से हमें यही सुनने को मिलता है कि कीथ ली की रिटर्न होने वाली है, पर कीथ ली पे बड़ा खुलासा करा है डेव मेल्टर ने। डेव मेल्टर के अकॉर्डिंग अभी भी कीथ ली इंजर्ड हैं और वो अपनी WWE में रिटर्न नहीं कर सकते। WWE के डॉक्टर्स कीथ ली के साथ काम कर रहे हैं कई सारी थेरेपीज पे, अगर वो थेरेपीज सक्सेसफुल रही और कीथ ली जल्दी अपनी इंजरी से उबर पाए तो हमें कीथ ली की रिटर्न WWE में होती भी दिखेगी, पर उनकी करंट अपडेट यही कहती है कि कीथ ली अभी भी इंजर्ड हैं। इसके बाद दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कि जिमी ऊसो और जे ऊसो हमें स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस बनते हुए दिखेंगे। करंट टैग टीम चैंपियन है रे मिस्टीरियो और उनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो, पर यहां तो जिमी ऊसो रोमन रिंग्स से भिड़ते रहते हैं और जे ऊसो रोमन रिंग्स का साथ देते हैं, पर एज पर डेव मेल्टर एंड अदर WWE एक्सपर्ट ये सिर्फ जिमी ऊसो को
इंजरी के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुकिंग देने का कारण है कि उन्हें रोमन रिंग से भिड़वाया जा रहा है। पर समर स्लैम आते आते हमें जिमी ऊसो और जे ऊसो दोनों ही रोमन रिंग्स का साथ देते हुए दिखेंगे और जिमी ऊसो और जे ऊसो हमें समर स्लैम 2021 पे अगले स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस भी बनते हुए दिखेंगे, जब वो रे मिस्टीरियो और उनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा के स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप जीत लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली खबर है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के बारे में। हेल इन अ सेल 2021 पे तो शार्लेट फ्लेयर हमें रिया रिपली को चैलेंज करते हुए नजर आएंगी, पर बीती तीन मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स पे निकी क्रॉस को तीनों बार जीत मिली है। तो निकी क्रॉस का कहना है हु इज नेक्स्ट, यानी कि गोल्डबर्ग की तरह अब वो पूछ रही है नेक्स्ट क्या है। और खुद निकी क्रॉस ने रिवील करा निकी क्रॉस का अब अगला एम है यहाँ पे रॉ की वुमेन्स चैंपियनशिप। उनका मानना है कि जो भी हेल इन अ सेल 2021 पे जीतेगा वो उसको रॉ की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी, यानी कि मंडे नाइट रॉ की फीमेल गोल्डबर्ग बनने वाली है निकी क्रॉस। इसके बाद दोस्तों हमें मंडे नाइट रॉ पे टीज करा गया था कि MVP कोफी किंगस्टन को हर्ट बिजनेसेस में रिक्रूट करना चाहते हैं। इस बात का जवाब कोफी किंगस्टन ने अपने सोशल मीडिया पे दिया, वो सिर्फ एक ही टीम का हिस्सा बन सकते हैं, उस टीम का नाम है न्यू डे। हर्ट बिजनेसेस के MVP बॉबी लेशली कितनी ही कोशिश कर लें पर कभी भी कोफी किंगस्टन हर्ट बिजनेसेस का साथ नहीं देंगे। कोफी किंगस्टन का कहना है सिर्फ एक न्यू डे ही ऐसी टीम है जिसका वो अब हमेशा से पार्ट बन सकते हैं या वो जिस टीम के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि कोफी किंगस्टन हमें हर्ट बिजनेसेस में नहीं देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की ब्रेकिंग खबर। दोस्तों पिछले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमने देखा था कि कैसे जिमी ऊसो रोमन रिंग से नाराज हुए जब रोमन रिंग्स ने डोमिनिक मिस्टीरियो की पिटाई करी। डोमिनिक मिस्टीरियो की पिटाई के साथ साथ डोमिनिक मिस्टीरियो के फादर रे मिस्टीरियो की पिटाई भी रोमन रिंग्स ने करी। क्या जिमी ऊसो वर्सेस रोमन रिंग्स का मैच हेल इन अ सेल 2021 पे होगा? दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अब नए रूमर्स के अकॉर्डिंग बाप बेटा यानी कि रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो रोमन रिंग्स से अपनी पिटाई का बदला लेना चाहते हैं। हम इस स्मैकडाउन के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉकिंग स्मैक शो पे पॉल हेमन रे मिस्टीरियो को एडवाइस देते हुए दिखे कि वो अपने बेटे की पिटाई डोमिनिक मिस्टीरियो की पिटाई भूल जाएं और रोमन रिंग्स से पंगा लेने की कोशिश ना करें। पर रे मिस्टीरियो ने कहा कि वो रोमन रिंग्स को सबक सिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने उनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो की पिटाई करी है जिसका वो बदला जरूर रोमन रिंग्स से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे ले। दोस्तों टीम मेल्टर का कहना है कि WWE के अब प्लान्स हैं कि हेल इन अ सेल 2021 पे रोमन रिंग्स वर्सेस जिमी ऊसो का मैच नहीं बल्कि WWE के लेजेंड रे मिस्टीरियो रोमन रिंग्स को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फेस करेंगे। इस मैच में हमें डोमिनिक मिस्टीरियो भी इंटरफेयर करते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों अब एक नया यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच बन चुका है जहां पे बाप बेटे रोमन रिंग्स से पूरी तरीके कैसे बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो रोमन रिंग से बदला ले पाएंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत के? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।